ये देखिए ये सिम्मा है इस तरीके से, तो इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे काट। तो यहाँ पर ये देखिए हमने अपना कुछ सेम रख लिया है, कुछ सेमों को हमने काट लिया था, तब इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि सिम्मा को कैसे काटा जाता है। इस तरीके से पहले इसका इस तरीके से काट कर फिर इसका इस तरीके से रेशा निकाल जाएगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से रेशा हमने निकाल लिया, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से रेशा निकालेंगे। तो ये सब रेशा निकाल लिया, अब इसको इस तरीके से काटेंगे। जितना बड़ा आपको काटना है काट सकते हैं, तो इस तरीके से जितना हमने अपना बड़ा बड़ा काटा है तो इसी तरह से अपना सारा काट लेंगे। इसी तरह से अपना काट लेंगे। देखिए इसको हमने अपना काट लिया है, अब इसे हम अपना बनाएंगे। और एक तरह हमने यहाँ पर ये कढ़ाई को रख लिया है और गैस को अपना जला देंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। और ये हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, जिसमें अपना ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, जिसमें अपना हम प्याज डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज को हमने अपना हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है, इसमें अपना डालेंगे सिम्मा। अब इसको अपना मिक्स कर लेंगे और ये सिम्मा के साथ साथ हमारा प्याज भी अच्छी तरह से भून जाएगा। अब इसको हम इसी तरह भूनने देते हैं और इसका अपना चलेंगे मसाला तैयार करने। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पीली सरसों और ये काली सरसों लिया है, आप चाहे तो इन दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये हमने अपना अदरक लिया है और ये लहसुन लिया है, सभी को अपना पीस लेंगे। ये देखिए इसको हमने अपना पीस लिया है और एक तरफ ये हमारा जो ये सिम्मा है ये भून चुका है, तो इसमें ये जो हमारा मसाला है इसको डाल देंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। एक मिनट तक इसको हमने अपना भून लिया है, अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसाले हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है और ये हल्दी पाउडर है और ये जीरा पाउडर है, इसको डाल लेंगे। इसमें हम गरम मसाला और धनिया पाउडर नहीं डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने अपना अच्छे तरह से भून लिया, अब इसमें अपना टमाटर डाल देंगे और टमाटर को इसमें सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी सिम्मा की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, तो अपना गैस को बंद कर देंगे। और ये जो सब्ज़ी ये सूखे ही खाने में अच्छी लगती है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा रस भी लगा सकते हैं। और सिम्मा में बहुत ही प्रकार के होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लाल होता है, कोई हरा होता है, तो इस तरीके से बहुत प्रकार के होते हैं। आप चाहे तो जो भी बना के खा सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। बाय।